बेगूसराय में मुजफ्फरपुर पालिका गृह कांड के दोषियों को फांसी की सजा देने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की इस्तीफे की मांग को लेकर वाम दलों के नेताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया। भाकपा के पूर्व विधायक अवधेश राय माकपा के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस के पास मानव श्रृंखला बनाई। वाम दल के नेताओं ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच कर रहे सीबीआई के एसपी जेपी मिश्रा को हटाने का भी विरोध किया। नेताओं ने कहा कि जब तक बिहार में सीएम नीतीश कुमार व डिप्टी सीएम सुशील मोदी सत्ता में बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की नहीं होगी, इसलिए दोनों तत्काल इस्तीफा दें और कई मंत्रियों और अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, जो दोषी है उन्हें फांसी की सजा हो। इन सब मांगों को लेकर आज मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया है। हम लोग इस आंदोलन के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी से इस्तीफा की मांग करते हैं। इसलिए मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच को प्रभावित कर रहे हैं, सीबीआई पर दबाव डाला जा रहा है। सीबीआई के द्वारा जो एसपी जांच कर रही थी उस एसपी का तबादला इसका सबूत है और इसलिए हम लोग मान के चलते हैं निष्पक्ष जांच तब तक नहीं होगी जब तक नीतीश और मोदी बिहार में बने रहेंगे। अनेक बालिका गृह में इस तरह की घटनाएं घटी है, अभी तो एक नमूना मात्र मुजफ्फरपुर आया है जिसमें दर्जनों मंत्री और बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हैं। पटना में घटना हुई उसका भी प्रकाश में आया है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि इस घटना को नीपा पोती करने की सरकार की मंशा है, सरकार इससे बाज आए और तमाम लोगों का जो नाम आया उनको अविलंब गिरफ्तार करे, कार्रवाई।